अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं आ गई एक और ज़बरदस्त न्यू रेसिपी के साथ। मैं हूँ सबा। आज मैं बना रही हूँ चटपटे मसाले वाले छोले। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने लिए हैं एक पाव छोले, इन्हें मैंने बॉईल कर लिया था। आप छोलों को रात को भिगो दें और सुबह उन्हें बॉईल कर लें। इसमें नमक ऐड कर लीजिएगा। एक पाव मैंने यहाँ पर छोले लिए हैं। यहाँ मैंने एक टेबल स्पून भर कर इमली ली है। अगर आपको खट्टा कम पसंद है तो आप कम कर सकते हैं, और ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ मैंने एक टमाटर लिए बड़े साइज़ का, और चार हरी मिर्चें लिए बारीक कट कर ली, थोड़ा सा हरा धनिया लिया। यहाँ मैंने दो प्याज लिए हैं और इन्हें बारीक जो है कट कर लिया था। यहाँ मैंने लिया है एक टीस्पून ज़ीरा, एक टीस्पून कुटी मिर्चें, एक टीस्पून पिसी मिर्चें, और यहाँ मैंने लिया है हाफ टेबल स्पून साबुत धनिया को पीसा था। मैं बॉयल करने में मैंने इसमें नमक ऐड किया था, तो इसलिए आप हसबे ज़ायका नमक लीजिएगा। मैंने यहाँ लिया है हाफ टी स्पून। यहाँ मैंने जो है ना एक पिंच यानी कि एक चुटकी मैंने अजवाइन ली है, वन टीस्पून चाट मसाला। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, यहाँ मैंने लिया है फोर टेबल स्पून ऑयल। अब इसमें मैं ऐड करूँगी ज़ीरा। पतीली खूबसूरती को इग्नोर करते हुए अब हम इसमें ऐड करेंगे ज़ीरा। अब इसमें अजवाइन डाल दूंगी मैं, ये जो मैंने एक चुटकी ली थी। इसे गूदा निकाल लीजिएगा और गुठलियाँ एक साइड कर लीजिएगा और इस तरह से डालिएगा। मैं ऐसे ही डालूंगी। और इसमें हमारा मसाले ऐड कर देंगे। अब मैं इसमें छोले ऐड कर दूंगी। इसे कवर कर दूंगी तकरीबन 10 मिनट के लिए, बिल्कुल लो फ्लेम पे, कि मसाला अच्छे से छोलों में मिक्स हो जाए। सो गाइस, देखें ऊपर से मेरा पतीला बहुत ही खूबसूरत है। मुझे यहाँ पर वो मिसाल याद आती है कि सूरत पे नहीं जाना चाहिए, सीरत पे जाना चाहिए। मुझे नहीं पता था कि इंसानों की सूरत और सीरत तो होती है, बट यहाँ पर पतीलों की भी सूरत और सीरत होती है। खूबसूरती के ऊपर मैं गई थी, इसलिए मैंने ले लिया था। और अंदर से इसकी सीरत के बारे में बाद में पता चला कि बिल्कुल ऐसे ज़िद्दी दाग आते हैं इसमें, जिससे बच्चों के कपड़ों पर तो उन्हें जाना नहीं होता। सो गाइज, यहाँ पर 10 मिनट हो गए और फालतू की फजूल बातों को छोड़ते हुए अब देख लेते हैं हम छोलों को। यहाँ छोले ऑलमोस्ट डन हो गए हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें, मिक्स करेंगे। अच्छा जी, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि फ्लेम मैंने बंद कर दिया था, उसके बाद मैंने इसमें टमाटर और प्याज हरी मिर्चें ऐड की हैं। चटपटे छोले डन हैं। अब हम इसे डिश आउट करेंगे। कितने इजीली चटपटे छोले बन गए हैं। तो अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हैं तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलती हूँ, रखिएगा दुआओं में याद। फिर मिलेंगे एक और न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।